अस्सलाम वालेकुम जी। पहले भी लॉक के बाद कुछ दोस्तों ने कहा कि तुम R6 के बारे में हमें कुछ डिटेल से बताओ, तो ये वीडियो R6 के बारे में, और ये कोई एक्सपर्ट रिव्यू नहीं है। ये बाइक मैंने कोई 2 महीने पहले लिया और तब से लेके अब तक मैं कोई 325 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं आपको इस बाइक के बारे में कुछ बताता चलूँ। यामाहा ने R6 1999 में लॉन्च किया था और इसकी तब से लेके अब तक कोई 8 जनरेशन आ चुकी हुई हैं, और ये पर्टिकुलर बाइक जो है ये 2012 मॉडल है, 7th जनरेशन है और 2015 की इंपोर्ट है। अच्छा जी, यामाहा R6 के इंजन के बारे में आपको बता दूं, इसका इंजन 600 सीसी है, इसकी टॉप स्पीड 260 है और इसका वेट 190 केजी है। अब आपको इसका स्पीडोमीटर दिखाते हैं। तो ये इसका स्पीडोमीटर है, ये ग्रीन लाइट इसकी न्यूट्रल लाइट है, यहाँ पे इसकी ये स्पीड मेंशन हो रही है डिजिटल में, ऊपर इसके क्लॉक है, टाइम शो हो रहा है, ये इसका RPM है एनालॉग में, 18,000 RPM तक जाता है, ये इसकी माइलेज शो हो रही है, ये माइल्स में भी कन्वर्ट हो जाती है और किलोमीटर में भी, फिलहाल ये किलोमीटर में है 14,705 किलोमीटर। इससे ऊपर ये इसका टेम्परेचर शो हो रहा है, क्योंकि इस वक्त बाइक स्टार्ट नहीं है तो ये लो लिखा आ रहा है, अदरवाइज जब बाइक स्टार्ट हो तो 125 फॉरेनहाइट डिग्री में जब हो जाए तो तब ये बाइक चलाना चाहिए। इससे ऊपर ये फ्यूल इंडिकेटर और दूसरे इंडिकेटर हैं, ये इसका किल स्विच है, ये इग्निशन है बटन, इग्निशन बटन है जहां से स्टार्ट होता है, ये इसका हाई बीम और लो बीम का बटन है, ये इसका इंडिकेटर है, ये इसका हॉर्न का बटन है, लेकिन हॉर्न की जरूरत नहीं पेश आती, इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि हॉर्न की जरूरत नहीं पड़ती। इसका फ्यूल टैंक 17 लीटर का है और इसके जो दोनों व्हील्स हैं ये 17 इंच के इसके अलॉय व्हील्स हैं, और आगे इसके डबल डिस्क ब्रेक है और पीछे सिंगल डिस्क ब्रेक है। उसकी वजह ये है कि इसमें ज़्यादातर अगली ब्रेक यूज़ होती है, और इसमें ये जो फ्रंट पे इसका वाइज़र है ये आफ्टर मार्केट वाइज़र है, और ये जो लाइट्स हैं ये HID लाइट्स हैं, और इन दोनों लाइटों के दरमियान में जो आप ये जगह देख रहे हैं ये एयर इनटेक की जगह, और ये जो आप चीज देख रहे हैं ये अगली ब्रेक का ब्रेक ऑयल है और ये पिछली ब्रेक का ब्रेक ऑयल है। इसके अलावा ये क्रैश प्रोटेक्टर्स हैं, अगर इनके हिसाब का बाइक गिर जाता है तो बाइक की बॉडी को नुकसान नहीं होता, सारा बोझ इन पे आ जाता है तो बाइक की थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। टेल इसकी काफ़ी शार्प है और जो ब्रेक लाइट है वो पिछली सीट के बिल्कुल नीचे है, ये LED लाइट है। ये इसका टू ब्रदर्स का ओरिजिनल एग्जॉस्ट है, और ये इसका पिछला फुटरेस्ट है, ये पिछली ब्रेक है, और पिछली ब्रेक इसकी कम स्पीड हो तो तब तो यूज़फुल है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में हैं तो फिर अगली ब्रेक ही यूज़ करनी चाहिए। ये इसके गियर्स हैं, एक गियर पहला गियर नीचे को लगता है और बाकी 5 ऊपर को लगते हैं, टोटल 6 गियर्स हैं इसमें, और पहले और दूसरे गियर के दरमियान न्यूट्रल है। R6 के बारे में 3 बातें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, एक तो ये कि इसकी राइडिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा कमिटेड है, दूसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइक है, और तीसरा इसका हीट का इशू है। मैं आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में बताता हूँ। R6 की जो राइडिंग पोजीशन है वो बहुत कमिटेड है, और ये कोई लॉन्ग टूर्स के लिए बाइक नहीं है, आप इसको मैक्सिमम 1 घंटा चला सकते हैं मुसलसल, उसके बाद आपको ब्रेक लेनी पड़ेगी, क्योंकि बाइक को भी रेस्ट चाहिए, उसका भी हीट का इशू है और आप खुद भी थक जाएंगे, आपकी कमर में, आपकी कलाइयों में, बाजुओं में दर्द होगा। उसकी क्या वजह है, ये बाइक डिज़ाइन ही स्पोर्ट्स के लिए हुआ है, रेस के लिए हुआ है, ये लॉन्ग टूर्स के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या ये बाइक कंफर्टेबल है, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि कंफर्ट के लिए तो डिज़ाइन ही नहीं हुआ, ये तो रेसिंग के लिए डिज़ाइन हुआ है। अगर आपको कंफर्टेबल बाइक चाहिए तो आप यामाहा VMAX लें, हार्ले डेविडसन V-Rod लें, आपको जो भी बाइक कंफर्टेबल लगता है, आपको नेकेड बाइक अच्छा लगता है आप वो लें, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स बाइक लेना चाह रहे हैं तो उसमें कम्फर्ट नहीं होता, उसमें आपकी राइडिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा कमिटेड होती है, और ख़ास करके R6 में। R6 के बारे में एक बात ये बहुत ज़्यादा कही जाती है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइक है, उसकी वजह यह है कि एक तो इसकी राइडिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा कमिटेड है, टॉप स्पीड तो खैर इसकी 260 है, वेट इसका 190 है,
तो अगर आप इसमें एक्सपर्ट नहीं है, अगर आप इसको एहतियात से नहीं चलाएंगे, तो इसको हैंडल करना, इसको मनूवर करना आपके लिए मसला हो सकता है। आपकी सेफ्टी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको एहतियात से चलाएं। R6 के बारे में एक बात बहुत ज्यादा की जाती है कि इसमें हीट का बहुत इशू है, तो उसकी भी वजह मैं आपको बता दूं कि इसका फेयरिंग का डिजाइन ऐसा है, या आप कह लें कि इसके डिजाइन में ये फ्लॉ है कि ये जो जगह आप देख रहे हैं यहां से इंजन की हीट बाहर निकलती है, तो जो यहाँ पे राइडर बैठा होता है उसके पे ये हीट डायरेक्ट पड़ रही होती है उसकी टांगों पे। तो जब यहां से हीट उसकी टांगों पे पड़ती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ये बाइक गर्मियों में चलाना। ठंड में इतना मसला नहीं है, लेकिन गर्मियों में दोपहर में इसको चलाना मसला हो जाता है। मुझसे अक्सर दोस्त पूछते हैं कि जब R6 में हीट का इशू है तो फिर आपने ये बाइक क्यों ली है। मैं उन सबसे ये कहता हूँ कि मैंने जितने भी बाइक्स देखे हैं मुझे सबसे अच्छा बाइक यही लगा है। हाँ, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट आया हीट का, लेकिन बाकी सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं और मेरा इस बाइक के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। R6 की अगर मेंटेनेंस की बात कर लें तो इसमें हाई ऑक्टेन फ्यूल डलता है, 17 लीटर का इसका टैंक है और 1 लीटर में ये 10-11 किलोमीटर करता है। और इसके अलावा हर 1000-1200 किलोमीटर के बाद इसका इंजन ऑयल चेंज होता है, एयर फिल्टर चेंज होता है और ऑयल फिल्टर चेंज होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर बाइक में लाइफ टाइम एयर फिल्टर डला हुआ है K&N का, तो वो तो नहीं चेंज होता, बस उसकी सफाई हो जाती है। अगर ऑयल फिल्टर आप यामाहा R6 का डलवाएं तो वो आपको कोई 2300 रुपीस का या 2400 रुपीस का मिल जाता है। और इंजन ऑयल अगर आप लिक्विड मोली का सिंथेटिक 10W40 डलवाएं तो वो 3 लीटर डलता है 4500 रुपीस का। तो लेबर चार्जेस डाल के आपको ये 8000 रुपये का खर्चा पड़ जाता है हर 1000-1200 किलोमीटर के बाद। दो बातों का काफी लोगों ने पूछा है, एक तो ये कि क्या इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं, और दूसरा ये कि आपकी बाइक की एक लाइट ऑन होती है और दूसरी नहीं होती तो इसकी क्या वजह। तो मैं आपको दोनों बातें बता दूं, एक तो ये कि स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं इधर, वो कोई मसला नहीं है। नंबर टू, इसकी जो लाइट है वो बाय डिफॉल्ट एक हर वक्त ऑन होती है लो बीम, और रात के वक्त दूसरी ऑन की जाती है जो हाई बीम है। तो आई होप कि आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, और इसके अलावा अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पीस एंड हैप्पीनेस।